नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मिश्रा और आपका राकेश मिश्रा केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, 11वीं क्लास की परीक्षा उपयोगी जो सीरीज चल रही है, इसका तीसरा वीडियो आज आपके सामने है। इसमें जो बचा हुआ पाठ्यक्रम है 11वीं क्लास का, उसको मैं बता रहा हूँ। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दिए गए हैं, यदि आपको वीडियो पूरा देख लेंगे आपको, तो पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे तैयार हो जाएगा। परीक्षा बहुत ही अच्छी दाई सभी बच्चों के लिए है, तो प्लीज फटाफट जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जल्दी से सभी लोग देख सके। दोस्तों, 11वां पाठ हमारा बचा था पी ब्लॉक के एलिमेंट। अब हम जानते हैं कि पी ब्लॉक के एलिमेंट में 13 वर्ग और 14 वर्ग आपके पाठ्यक्रम में है, बाकी 12वीं क्लास में चला गया है। तो 11वीं क्लास में जो 13 वर्ग और 14 वर्ग बचा हुआ है, उसके आईएमपी क्वेश्चन आप कैसे तैयार कर लीजिए, जिससे आपका पेपर बहुत अच्छा तैयार हो जाए। सबसे पहले, सामान्य ताप पर CO2 गैस क्यों है और कार्बन सिलिकॉन डाइऑक्साइड ठोस क्यों है, मतलब इसका कारण देना है आपको, तो विस्तार से कारण कर लीजिए। पीडीएफ में आपको सब कुछ मिल जाएगा, उसकी फुल तैयारी आप कर सकते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड जल अपघटित नहीं होता, लेकिन सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जल अपघटित होता है। बच्चों, ये आईआईटी लेवल का क्वेश्चन है, मालूम है इसका यदि हम एक शब्द में उत्तर दें तो क्या देंगे पता है? डी कक्षक की अनुपस्थिति। डी कक्षक ना होने से कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो कार्बन है उसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए जल अपघटित नहीं होगा, लेकिन सिलिकॉन जल अपघटित होगा। टिप्पणी लिखिए, इसमें ड्राई आइस माने शुष्क बर्फ, हम जानते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, ठीक है, इसका उत्पादन होता है, इसको हम फ्रिज में रेफ्रिजरेटर वगैरह वगैरह में उपयोग करते हैं। डाइमोरेन की सेतु संरचना पर नजर डाल लीजिए आप। हीरा ग्रेफाइट में चार अंतर, मतलब इसके गुण और इसके उपयोग तैयार कर लेना है। हीरा जैसे कठोर होता है, सबसे कठोर पदार्थ है, लेकिन ग्रेफाइट मुलायम होता है। हीरा कुचालक है, लेकिन ग्रेफाइट सुचालक है। इस प्रकार से बोरेक्स बीड टेस्ट, हिंदी में नाम है बोरेक्स मणि का परीक्षण, बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। अकार्बनिक बेंजीन का क्या फॉर्मूला है? कार्बनिक बेंजीन C6H6, अकार्बनिक बेंजीन B3N3H6, अर्थात बोरेजाल या बोरेजीन को अकार्बनिक बेंजीन कहते हैं, इसको हमने आपको विस्तार से पढ़ाया है, तो जरूर इसको तैयार कर लीजिए। मोस्ट आईएमपी है 11th क्लास के हिसाब से। चैप्टर 12 में आते हैं अपन, सजातीय श्रेणी क्या है? बच्चों, एक समान क्रियात्मक समूह वाले सभी योग को सजातीय श्रेणी बोलते हैं। इसकी विशेषता लिख दीजिए, समान सूत्र समान है, एक समान विधि से तैयार किया जाता है। एल्डिहाइड एक उदाहरण दे दीजिए, तो ये सजातीय श्रेणी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा, नामकरण, देखो नामकरण तो बहुत विस्तार वाला है, लेकिन आप नाम से संरचना, आईयूपीएससी नाम से संरचना बनाना सीख लीजिए। कोई दो नाम आपको तैयार कर लेना है और संरचना से आईयूपीएससी नाम। यदि इंटरेस्ट 11th क्लास में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करना है, तो उन दोनों को तैयार करना बहुत जरूरी है, मेसोमेरिक प्रभाव और कार्बोकैटायन। अभी कार्बोकैटायन का वीडियो कुछ ही 2 सप्ताह के करीब पहले मैंने आपको अपलोड किया है, तो इसको तैयार कर लें। कार्बोकैटायन और मेसोमेरिक प्रभाव का वीडियो तो हमारा लास्ट ईयर का भी, इस साल भी हमने डाल दिया है, तो इसको दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। अब आते हैं हाइड्रोकार्बन पे। एथिलीन निर्माण की प्रयोगशाला विधि, एथिलीन को हम एथीन भी कह सकते हैं, C2H4 प्रयोगशाला में कैसे बनाते गाइस? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराएंगे एथिल अल्कोहल पे, तो विलोपन क्रिया हो जाएगी, मतलब निर्जलीकरण, तो एथिल अल्कोहल के निर्जलीकरण से एथिलीन गैस तैयार हो सकती है। मार्कोनी का आपका नियम क्या है, और इसका उल्टा, मार्कोनी का उल्टा क्या है? परऑक्साइड प्रभाव, एंटी मार्कोनी नियम बोलते हैं। दोनों को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, पूरी तैयारी के साथ आएगा। बेंजीन की चक्रीय संरचना की चार प्रमाण, केपले 1865 में अगस्त केपले ने बेंजीन की चक्रीय संरचना दी, उसकी पूरी तैयारी, चार प्रमाण तैयार कर सकते हैं, बहुत सरल तरीके से उसको कर लीजिए आप। बुर्ज अभिक्रिया और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखना। एक क्वेश्चन ऑर्गेनिक का बड़ा हिट है, 2 मिनट के बाद इसको पूरा कर ले। क्या होता है जब? केवल समीकरण दो, बहुत ही पूरे नंबर मिलते हैं, पता है मैथ जैसा क्वेश्चन रहता है, इसको कैसे करना है। मान लीजिए आपको आता है पर क्लोरीन की क्रिया से क्या बनता है जब सूर्य के प्रकाश में करते हैं, हम जानते हैं मेथिल क्लोराइड बनता है, ठीक है। और हम दूसरे नंबर पर जाते हैं, मान लो बेंजीन पर मेथिल क्लोराइड क्रिया AlCl3 की उपस्थिति में करते हैं, तो क्या बनता है, बनेगा इसमें बेंजीन पर मेथिल क्लोराइड क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करते हैं, तो टालून प्राप्त होता है, बहुत इंटरेस्टिंग। यदि आप एथिल अल्कोहल पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करते हैं, तो एथिलीन गैस बनता है।
यदि हम कैल्शियम कार्बाइड पर जल प्रवाहित करेंगे तो ये एसिटिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, इसमें एसिटिलीन गैस बनती है। एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया करें, मीथेन गैस बनती है। तो इस प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फुल तैयारी। इसमें मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपने हाइड्रोकार्बन के नाम, ये तो चैप्टर काफी बड़ा है लेकिन पूरा विस्तार से आप पढ़ लेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको बनने लगेगी। और ये आपका पी ब्लॉक, तो 11वीं क्लास की पूरी तैयारी आपकी हो गई है। 12वीं क्लास में आपको आने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, लेकिन एक ध्यान रखें कि चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि ये पूरे वीडियो आपको लगातार मिलते रहते हैं। और 12th क्लास के अपने साथियों के साथ भी आप लोग भी 12th क्लास में आ जाएंगे निश्चित रूप से 11वीं के एग्जाम के बाद, तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत थैंक यू। और अपने दोस्तों के साथ, चाहे वो किसी भी स्कूल में हो, उनके साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे उनके पास भी आईएमपी क्वेश्चन हो। किसी का भी भला हो रहा है, हमारे 5 मिनट से किसी का भला हो रहा है, किसी का रिजल्ट बन रहा है, किसी का भविष्य बन रहा है, तो इसमें कौन सी बुरी बात है, बताओ बच्चों, नहीं है ना। थैंक यू, इसके लिए आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं कि सर थैंक यू, या बहुत बहुत प्रशंसा, या बुरी बुरी प्रशंसा, कुछ भी। ठीक है, और हमारे चैनल पर आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।